नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यू मिनट स्टडी में। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने दी बड़ी गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ चुकी है। जो भी छात्र 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बिहार बोर्ड ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 5 ऐसे गाइडलाइन है जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने साफ बता दिया है कि कौन कौन से गाइडलाइन का स्टूडेंट को पालन करना होगा, तभी आप एग्जाम देने जा पाएंगे, नहीं तो आपको एग्जाम हॉल से सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो चलिए सुनते हैं आनंद किशोर को क्या कहे हैं उसने गाइडलाइंस के बारे में। तो जानिए पूरी जानकारी। इससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसे भी पता चल जाए बिहार बोर्ड से जो भी गाइडलाइन आई है उनको भी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको सुनाते हैं आनंद किशोर ने क्या कहा है। मोबाइल अथवा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सभी परीक्षार्थियों के लिए पूरी तरह से वर्जित किया गया है, और जो भी परीक्षार्थी यदि इस प्रकार के कोई भी उपकरण ले जाते हुए पाए जाते हैं तो उनका न सिर्फ वह उपकरण जब्त कर लिया जाएगा बल्कि उनको परीक्षा से निष्कासित करते हुए उनको परीक्षा से वंचित भी किया जाएगा और उनके विरुद्ध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए यह ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की अनुमति परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व तक ही मिलेगी, अर्थात जो परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में 9:30 बजे प्रारंभ होगी उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को 9:20 तक हर हाल में पहुंचना अनिवार्य होगा, और जो परीक्षा द्वितीय पाली की 1:45 से शुरू होगी उन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को 1:35 तक पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके बाद इस समय सीमा के बाद जो भी परीक्षार्थी यदि परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी जो इसका अनुपालन नहीं कर पाते हैं, जो इस समय सीमा के बाद पहुंचते हैं उनकी परीक्षा छूट जाती है और फिर उनका पूरा वर्ष या तो व्यर्थ हो जाता है या उनको वैकल्पिक माध्यमों से अन्य परीक्षा में कंपार्टमेंटल या विशेष परीक्षा या अन्य जो भी वैकल्पिक उनके लिए माध्यम उपलब्ध हो उसमें बैठने की बाध्यता होती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी परीक्षार्थियों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप निर्धारित समय से काफ़ी पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुँचें, और यह जो समय सीमा 10 मिनट की दी गई है यह अधिकतम सीमा है, इससे भी आप काफ़ी पहले पहुँचें ताकि आपको परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और ट्रैफिक जाम या इत्यादि अन्य किसी भी प्रकार की यदि जिले में कोई समस्या होती है उसके कारण आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। इन परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह कड़ाई के साथ कदाचार रहित और स्वच्छ परीक्षा कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी जिलों के डीएम्स को और एसपीज को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, और इसके आलोक में सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति इन सभी परीक्षा केंद्रों पर की गई है। इसके साथ ही सभी जिलों में जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड्स की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षार्थियों का 2 बार फिस्किंग करने का निर्देश दिया गया है, 1 बार गेट पर और दूसरी बार जब परीक्षार्थी बैठ जाएंगे परीक्षा केंद्रों पर उस समय पुनः परीक्षार्थियों की दोबारा जाँच कराई जाएगी, और 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की व्यवस्था की गई है, और ये वीक्षक उन परीक्षार्थियों के सफल और कदाचार रहित परीक्षा संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे।